हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार। मैं हूं पंकज मौर्य और स्वागत है एक बार फिर से आपका घर में बगीचे चैनल में। दोस्तों, आज देखिए हम नर्सरी से दो पौधे खरीद कर लाए हैं और इनको अजेलिया कहते हैं। अजेलिया के पौधे हैं ये। ये देखिए बहुत ही प्यारा इनका फूल निकलता है, बहुत अच्छे लगते हैं देखने में, बिल्कुल गुलाब के फूल की तरीके से होते हैं। एकदम आप पहचान नहीं पाएंगे कि गुलाब का फूल है या फिर किसी और का है। और ये जो सूखते रहते हैं फूल, कई दिनों तक टिकते हैं फूल ये, उसके बाद ये सूखते हैं। तो इनको जो सूख जाते हैं उनको आप हटा सकते हैं। और आज हम आपको बताने वाले हैं कि कैसे आप इनको रिपॉट कर सकते हैं, या जब वहाँ नर्सरी से आप लाएंगे तो वो जो है, ये देखिए छोटी सी पॉलीथीन में होते हैं और बहुत ही लाइट वेट इनका मिक्सचर होता है। ये ज़्यादातर जो पत्ती की खाद होती है उसमें लगे होते हैं। ये देखिए प्योर पत्ती की खाद इसमें है और कुछ भी नहीं है, उसी में लगा दिए जाते हैं। और इसलिए छोटे छोटे पौधे होते हैं, उनमें भी फ्लावरिंग बहुत अच्छी होती है। तो जब हमको लगाना है तो ऐसा ही मिक्सचर इनको बना के लगाना है। ज़्यादा बड़ा पॉट भी नहीं होना चाहिए। अगर आप ज़्यादा बड़ा गमला लेंगे तो आपके पौधा जो है सड़ने का डर रहता है, क्योंकि उसमें नमी ज़्यादा दिन तक रुकेगी। तो इसलिए आज हम आपको बताने वाले हैं कि कैसे इसको लगा सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा आप फूल ले सकते हैं, बहुत अच्छा लगता है देखने में। तो दोस्तों, इस तरीके से देखिए ये पॉलीथीन हमने निकाल ली है, और ये देखिए बहुत छोटी पॉलीथीन होती है इनकी। तो हमको जब लगाना होता है तो हमने देखिए सारा मिक्सर हमने बहुत अच्छा लिया है। ये देखिए ये हमारा जो गोबर की खाद है वो है, और ये हमने मिट्टी ली है, नारियल मिट्टी है, एक गमले से खाली की थी। और ये देखिए ये है हमारे पास कोकोपीट। तो इन तीनों को लेना है आपको। आप चाहें तो तीनों को 30-30% के हिसाब से ले सकते हैं, 10% बालू मिला सकते हैं। और अगर आपकी मिट्टी जो मिला रहे हैं वो बलुई मिट्टी है तो फिर आप तीनों को बराबर मात्रा में ले सकते हैं, यानी कि वर्मी कंपोस्ट या फिर गोबर की खाद हो, और जो कोकोपीट है और हमारी मिट्टी, तीनों को बराबर बराबर मात्रा में आप ले लीजिए और अच्छा सा मिक्स करके मिक्सर बना लीजिए। इस मिक्सचर में जब आप लगाएंगे तो आपका पौधा जैसा ग्रो कर रहा था वैसे ही बराबर ग्रो करता रहेगा, क्योंकि इसमें न्यूट्रिशन बहुत सारा है। और दोस्तों, जो हमको बर्तन लेना है जिस गमले में लगाना है वो 8 इंच से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। अगर आप 8 इंच से ज़्यादा का लेंगे, ये देखिए यहाँ पर 8 लिखा हुआ है, ये 8 इंच का पॉट है और इसमें नीचे बहुत सारे होल भी हैं। तो आपको जो भी पॉट लेना है, जो गमला लेना है, उसमें होल भी होना चाहिए, नीचे पानी का निकास बहुत अच्छा होना चाहिए, और वो पॉट जो है 8 इंच से ज़्यादा बड़ा ना हो। जब आपका पौधा थोड़ा बड़ा हो जाएगा, 1-1.5 साल पुराना और हो जाएगा, तब आप इसको 10 इंच के गमले में लगा सकते हैं। तो देखिए नीचे हमने इसमें मिक्सचर को भर लिया है और इसको ऐसे बस बिठा देना है, और उसके बाद इसमें मिक्सचर को इसमें हम डाल देंगे और अच्छे से भर देना है। बहुत ज़्यादा मात्रा में इसको दबाना नहीं है, क्योंकि ये मिक्सचर जो है बहुत ही हल्का है। अगर आप ज़्यादा दबा देंगे तो फिर थोड़ा सा रूट जो होती हैं वो कम बढ़ पाएंगी। तो इसलिए मिक्सचर को थोड़ा मुलायम ही रखना है। और ये पौधा की जो जड़ें होती हैं बहुत ही महीन होती हैं, तो उन जड़ों, वो जड़ें दिखती नहीं हैं, बहुत ही महीन होती हैं और ब्राउन कलर की होती हैं, भूरे कलर की तो दिखती नहीं हैं। तो आपको ध्यान देना है कि इसको ज़्यादा दबाना नहीं है। दोस्तों, अजेलिया का पौधा आप नर्सरी में किसी भी नर्सरी से आप ले सकते हैं, और ये 100 से 125 रुपये के आसपास का मिलता है। इतना बड़ा पौधा, इसमें आपको फूल लगे लगाए मिलेंगे और इसके बहुत सारे कलर मिल जाते हैं। तो ये देखिए हमने पौधा अपना लगा दिया है और इसको बस हमें पानी देना है अब, और कुछ भी नहीं देना है। तो इसको डायरेक्ट आप धूप में भी रख सकते हैं, छाया में रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने इसका जो पिंड था, जहाँ जो रूट का इसका बॉल था, उसमें लीफ कंपोस्ट थी, उसको हमने डिस्टर्ब नहीं किया है, तो हमें छाया में रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ये पौधा ऐसे ही ग्रो करता रहेगा। तो दोस्तों, हमने देखिए दोनों पौधे अपने लगा लिए हैं सेम तरीके से, और देखिए कितने सुंदर दिख रहे हैं दोनों। तो दोस्तों, आज का वीडियो अगर पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।